माननीय रामचंद्र बाबू। सम्मानित उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है। कल बोल रहे थे लेकिन आज है नहीं, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा कि इस बजट का जो मुख्य विचार है वो आत्मनिर्भर भारत का है, और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि इस देश में कौन आत्मनिर्भर हुआ। किसान के बारे में चर्चा किया उन्होंने कि हुआ कि नहीं, अल्पसंख्यक समाज के बारे में कहा कि हुआ कि नहीं, एमएसएमई के बारे में बोला हुआ कि नहीं, छोटे जितने हमारे व्यापारी हैं उनका हुआ कि नहीं, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हैं उनका हुआ कि नहीं। अभी एक बात और उन्होंने कहा कि कोई भी बजट होता है जब कंटेक्स्ट में होता है, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया तो अगर कंटेक्स्ट में ही इस बजट को देखें तो सबसे पहला, कृपया अपनी अपनी जगह बैठे, ये कितने बड़े गौरव की बात है कि जब पूरी की पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित रही और उस समय सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था कि कैसे अपने हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाई जाए भूखमरी से और बीमारी से, तो मैं तो केंद्रीय सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था की गई पूरे देश में कोरोना काल में भूखमरी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, भूखमरी से। और आज जब हमारे पास वैक्सीन आ गया और पूरे देश में वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा और ये वैक्सीन पूरी तरह से हमारी अपनी वैक्सीन है तो हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। एक मिनट के लिए सोचा जाए कि अगर 1967 में अगर यही कोरोना आया होता क्या होता, 1967 में अकाल पड़ा था, याद करिए अनाज भी बाहर से आता था और जिसको बिलायती दूध कहते हैं वो भी बाहर से आता था, तब बच्चों को मिलता था। और आज इतनी बड़ी हमारे पास त्रासदी आई लेकिन हमको कहीं विदेश में झांकना नहीं पड़ा कि हमको अनाज चाहिए, हमको दूध चाहिए, हमको दवाइयां चाहिए। तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है और इस पर सबको गर्व करना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में तो आप जानते हैं जब आप आत्मनिर्भर हुए हैं तो हमारे किसान ना सिर्फ अन्नदाता तो जानते ही हैं, ऊर्जा दाता हुए ही हैं, रोजगार दाता भी हैं। जितने उनके हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसी को जो आप वैल्यू एड करते हैं तो कई लोगों को रोजगार मिलता है। कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि साहब किसी भी विकास को देखना चाहिए ग्रोथ और इक्विटी के, उससे भाई मैं तो उनको याद कराना चाहूँगा कि उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है इक्विटी की बात। वकील हैं, वहाँ क्या स्थिति है, कितना फीस लेते हैं, चैरिटी बिगिन एट होम, सबसे पहले अपना तो देखिए, कुछ मिनटों के लिए आप जाते हैं और कितना पाते हैं। हमारा एक जो है मनरेगा का कार्यकर्ता साल भर काम करता है, साल भर काम करता है, उसको 25,000 रुपया मिलेगा, 100 दिन काम करेगा, साफ काम करेगा, लेकिन आप जरा सोचिए, आप कितना पैसा लेते हैं, ये कहां से इक्विटी हो गई। और ये सरकार की पूरी जो मूलभूत जो सोच है विकास की वो क्या है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये है इक्विटी, ये है ग्रोथ इक्विटी। और आपको हम लेके चलते हैं बिहार, अगर इसी चीज को अगर आप देखेंगे ग्रोथ इक्विटी को, तो हमारा है ही, हमारा नीतीश बाबू का क्या संकल्प है एनडीए का, वहां न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। और इसका मतलब क्या होता है, सभी लोगों का विकास और सभी क्षेत्रों का उत्थान।
तो इसलिए तो इस पूरी पूरी एनडीए सरकार की सोच ही है, ये फिलॉसफी भी है। आप रहे हैं शिक्षा मंत्री, आपको याद आया इक्विटी की बात कर रहे हैं, कहे नहीं आप लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दिए, क्यों नहीं खोले? आपको खोलना चाहिए था। वही जन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यस यस। कैबिनेट मंत्री है नहीं, अभी अभी गए हैं चेयरमैन साहब के पास। नहीं, कैबिनेट मंत्री है ही नहीं। जस्ट आई एम कॉलिंग नहीं, ठीक, कैबिनेट मंत्री होना जरूरी है। आप सही याद दिलाते हैं जयराम जी, आई एम कॉलिंग, प्लीज लेट हिम स्पीक। यस कम, यस कम प्लीज। ये मैं कह रहा था प्लीज प्लीज प्लीज, ये मैं कह रहा था सर, द लोकसभा, लोकसभा एंड ऑल दिस एरियाज आर पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। शिक्षा मंत्री रहे, ले में क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला? ले कहा है, सबसे हमारा दूरस्थ इलाका है। इक्विटी क्या मांग करती थी कि वहां खुलना चाहिए था। आप जो है शिक्षा मंत्री थे, ऑलरेडी डेड पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आप शिक्षा मंत्री थे, आप नहीं है तो कहाँ है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया था, ऑलरेडी मैंने कह दिया माननीय गोहिल जी, वो कोरिया एग्जामिन होगा, देखा जाएगा। प्लीज लेट हिम स्पीक, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप ये देखिए, वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, कह दिया इस मेंबर, इस सदस्य, वो इस मेंबर के हाउस सदस्य है, वो नहीं है तो क्या उनको सिर्फ भाषण देने का अधिकार है? उनको रहना चाहिए था। ऑलरेडी टोल्ड लीव, प्लीज प्लीज प्लीज। एक छोटी सी बात, माननीय आरपी सिंह जी ने जो कहा, आरसीपी सिंह जी ने जो कहा कि माननीय सदस्य ने कुछ बात कही, सर जितना मेरा चार बार के लोकसभा सांसद के नाते अनुभव है, जो भी पहला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपना भाषण करता है वो अगले चार पांच भाषण तक तो सुनने के लिए इंतजार करता ही था। लेकिन उन्होंने जो बात उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण है सर, उनका समय इतना कीमती है कि किसी एक केस को लड़ने के लिए लाखों रुपए मिलते होंगे, तो उस यहां पर ज्यादा ज्यादा प्राथमिकता देने के बजाय कहीं और। नो नो नो, आई एम नॉट अलाउड, मैंने कह दिया प्लीज प्लीज, ठीक ठीक, मैंने कह दिया कि प्लीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, नहीं नहीं प्लीज, आई एम नॉट अलाउड, लेट हिम स्पीक, ही हैज नॉट इल्डेड, नहीं नहीं, नो नो प्लीज, लेट लेट लेट, रामचंद्र बाबू आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, प्लीज नहीं प्लीज, कोई बातचीत आपस में बैठकर की हुई बातचीत कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोले, आपका समय। आप देखें, आप देखें, आप देखें ग्रोथ, प्लीज ग्रोथ प्लीज, और इक्विटी की बात हो रही है, प्लीज प्लीज, ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है, ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है, प्लीज प्लीज आपस में बैठकर बातचीत ना करें, प्लीज आपस में बैठकर बात ना करें, उन्हें बोल लेते प्लीज, ग्रोथ और इक्विटी की बात हो रही है, प्लीज। जब कोरोना था वो श्रीमान जी तो दिल्ली में थे, मैं तो 73 दिन अपने गांव में था, और जरा देखिए जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पूरा का पूरा बजट है वो किसके लिए होता है, गांव में देखिए जा करके, जिसमें कोरोना का था, जितने भी जनधन के हमारे खाते गरीब महिलाओं की थी, मैं गांव में था, सबके खाते में 500-500 रुपया जा रहा था, ये क्या है, ये क्या है? सब लोगों को उनके घर पर फ्री में अनाज मिल रहा था, ये क्या था? और हमारे बिहार के जितने हमारे साथी श्रमिक साथी देश के अन्य कोनों में फंसे हुए थे, सबके खाता में हमारे नेता नीतीश बाबू ने 1-1 हजार रुपया दिया, और जब वो बिहार आए उनको रहने की व्यवस्था की गई, और 1-1 व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया, ये क्या है? जब हमारे यहां इतनी बड़ी महामारी चल रही है, और आप डाटा क्या दे रहे हैं? डाटा दे रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना कम हो गया, सारे उद्योग बंद हो गए, भय था किस चीज का? उसमें जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था, और इसलिए आप खोजिएगा कि सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना कम हो गया, जब चीज ही बंद है
उद्योग बंद है तो जाएगा ही नीचे। लेकिन काम कहां हो रहा था? काम हो रहा था एग्रीकल्चर में, खेती में काम हो रहा था। गांव में महामारी की पहुंची नहीं थी तो वहां जरा देख लीजिए, इस कोरोना काल में भी जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें कितना शानदार काम हुआ। आज भी जो है आपके पास सरप्लस अनाज है, सब जगह लोग किसान इतनी पैदा कर रहे हैं कि सब जगह मांग करते हैं कि हमारी खरीदारी हो। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरी की पूरी जो सरकार है, इनका फोकस कहां रहता है? इनका फोकस वही रहता है। आप जरा देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल हमारे स्कूल बंद रहे लेकिन आप जरा देख लीजिए जितनी बच्चों को हमारे बिहार में, आवाज बाहर बहुत ज्यादा आ रहे, मैं तो हैरान होकर अंदर आया और मैंने देखा आरसीपी सिंह तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हाँ, रवि आल्सो स्पीक्स लाउड, बिहार इज सम ऑफ द लीडर्स और मुझे बीच में अनुराग जी, मुझे बताया गया कोई मिनिस्टर नहीं था, ये स्थिति नहीं होना चाहिए। रूपाला जी आप दोनों हैं, किशन भी है मेरे, नहीं आप आए तो ठीक है, इवन अदरवाइज बजट डिस्कशन सम सीनियर मिनिस्टर शुड ऑलवेज बी देयर, मिनिस्टर फॉर एमओएस फाइनेंस ही टेक्स केयर ऑफ द डिबेट एटसेट्रा बट अदर्स आल्सो प्लीज जी। तो कोरोना काल में भी स्कूल बंद थे लेकिन जो बच्चे बच्चियों को साइकिल मिलना था उसके पैसे उनके खाते में पहुंचा दिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सरकार है इसकी सोच ही है कि जो भी हमारे सबसे बिल्कुल अंतिम छोर पर गांव में रहते हैं उनको विकास की सब चीजों का लाभ मिल जाए। आप कह रहे हैं कि साहब बड़े लोगों के लिए सिर्फ काम हो रहा है, एकलव्य स्कूल में कौन पढ़ता है? जो हमारा आदिवासी इलाका है एकलव्य स्कूल में कौन पढ़ता है? और उस एकलव्य स्कूल में और अच्छी पढ़ाई हो, और अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए इस बजट में प्रावधान है। आप कह रहे हैं बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, 1000 करोड़ की व्यवस्था किसके लिए किया गया है? जो आसाम में, बंगाल में हमारे जो टी वर्कर हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किया गया है। ये क्या चीज है? यही तो इक्विटी है, यही तो न्याय के साथ विकास की बात है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो। इतना ही नहीं, अगर आप देखिए कि पूरा का पूरा आज जो एजुकेशन का सेक्टर है इस पूरे कोरोना काल में कितना प्रभावित हुआ। लेकिन मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 30 लाख से ज्यादा टीचरों को उसके लिए ट्रेन किया गया, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। और आगे 92 लाख हमारे ऐसे टीचर हैं जिनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ठीक से पढ़ा सकें। अब बताइए स्कूल में कौन पढ़ता है? ग्रामीण स्कूल में कौन पढ़ता है? सब गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं और इसका सीधा लाभ उनको मिले। तो इस सरकार की तो ये सोच ही है कि जो हमारे संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो गरीब का है, जो आपदा से प्रभावित है, जो महामारी से प्रभावित है। और इसलिए सरकार ने बजट कितने का था? 30 लाख करोड़ के आसपास का था, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, 34 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया। अब कह रहे खर्च 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 और लोग कहेंगे साहब फिस्कल डेफिसिट इतना पहुंच गया 9.50। फिस्कल डेफिसिट तो पहुंचेगा ही, जो हमारे रेवेन्यू कम होगा, हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है तो सरकार क्या खड़ी रहेगी? सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पैसे चाहे जहां से आए, जहां से हमको बोरो करना पड़े, हमारे लोगों की जीवन की रक्षा करनी, उनको हमको सुरक्षित रखना है, जिससे कि कोरोना का काल जब समाप्त हो जाएगा तो आगे फिर से हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाए। और इसलिए आपने जो प्रयास किए हैं वित्त मंत्री जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक बात और है साहब, सब लोग क्या सोच रहे थे कि बजट आएगा, तरह तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। टैक्स तो नहीं लिया गया कोई नया, लेकिन हाँ आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में जो व्यवस्था है, और 75 वर्ष का हमारा साल में हम लोग जा रहे हैं, 75 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर लिए हैं, उन सबको जिनका सिर्फ पेंशन का इनकम है
और जो उनका इंटरेस्ट इनकम है उनको आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट कर दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम। और मैं अनुरोध करूंगा इसको थोड़ा सा और पीछे ले चलने का, क्योंकि कई प्रदेश में 65 साल सीनियर सिटीजन होते हैं, कई जगह 60 साल होते हैं। तो 60 साल से अगर देख लें, जिनके पास सिर्फ पेंशन सोर्स है इनकम का और बैंक का जो है उनका इंटरेस्ट का है, तो TDS वहीं कट जाएगा। तो अगर इसको 60 साल तक आप कर देंगे तो बहुत सारे हमारे सेवाकर्मी भी हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और आपको मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपने हिम्मत किया है कि बजट में कितना FCI को सब्सिडी दिया जाता है उसको आपने खोल के दिखा दिया। वही हाल फर्टिलाइजर सब्सिडी का है, पूरा का पूरा इस पर एक स्टडी की जरूरत है। जितना हम फर्टिलाइजर सब्सिडी फर्टिलाइजर के कंपनियों को देखते हैं उसका जरा असेसमेंट करा लीजिए। 70% सभापति जी ये जाता है सिर्फ नाइट्रोजन पर, यूरिया पर, और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। NPK जो हमारे कृषि में खेत के लिए उत्पादन के लिए उनका बैलेंस होना जरूरी है, बिल्कुल वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होता है, वो बैलेंस खत्म हो जाता है। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा खास कृषि में दो चीज में, जो हम देते हैं ये सब्सिडी हम दे रहे हैं किनको, जो हमारे फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, मैं चाहूंगा कि इसे एक असेसमेंट कर करके इसको भी DBT के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत एक एकड़ पर सोच लें कितना किसान को खर्च होता है, उतना सीधे सीधे उनके खाते में दे देंगे तो किसानों को ये लाभ सीधे मिलेगा और जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगी। दूसरी बात, हम लोग कृषि में सीड के लिए भी देते हैं, सीड भी देते हैं, हम लोग बांटते हैं। सीड के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि अगर सीड का भी जो भी अमाउंट है, जो हमारे किसान है सब जगह आज किसान दर्ज हैं, नाम उनके इंटर्ड हैं, उनके खाते में अगर बीज का पैसा दे देंगे तो किसानों के पास पहुंच जाएगा और मार्केट में हमारा काम होगा, जो क्वालिटी बीज है उसको ले ले तो उसे निश्चित रूप से जो क्वालिटी बीज है वो भी हमारा पहुंच जाएगा। एक समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में आती है और वो आती है खास करके लेबर कंपोनेंट जो हमारा खेती में होता है, और मैंने पहले भी इस पर अनुरोध किया था और मैं फिर चाहूँगा कि हमारा जो पूरा का पूरा ये मनरेगा का है, मनरेगा में आप देखें सभी स्टेट्स में अगर देखिएगा जितनी राशि दी जाती है उतनी खर्च नहीं हो पाती, नेशनल एवरेज कम होता है, 100 से कम होता है, लेकिन हर एक जगह क्यों ऐसा होता है कि जो काम आपने उसमें लिखवाया कि मनरेगा में ये काम कराए जाने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मनरेगा में एक काम निजी भूमि पर कृषि कार्य हेतु भी अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसका जो लेबर कंपोनेंट है वो मिल जाएगा, तो उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और मनरेगा का भी सदुपयोग होगा। एक बार फिर से मैं आपको अच्छे बजट लाने के लिए, आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अपने बजट लाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। मुझे बताया गया आपने दूसरी सदस्य का नाम लिया और उनके बारे में कुछ कहा, ये अवॉइड करना चाहिए। तो वो आप फिर भी प्लीज दैट इज नॉट द वे प्लीज सो दिस इज माई एडवाइस। अरे ऑपोजिशन हैज एक्सेप्टेड दैट डोंट वी शुड नॉट आर्ग्यू विद द चेयर, दे ऑलवेज कोऑपरेट, दैट इज नो प्रॉब्लम, वंस इन ए वे दे गेट लिटिल प्लीज शक्ति सिन्हा जी, आई एम देयर टू टेक केयर, एवरी मेंबर इज अ रेस्पेक्टेबल मेंबर, इवन इफ दे ही गोस रॉन्ग ऑन फैक्ट्स एंड देयर इज अ वे एज आई टोल्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, सो पीपल कैन गिव नोटिस एंड ऑल। सो दिस रेफरेंस टू कपिल सिब्बल जी इज नाउ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, देन श्री यलमारम करीम।